में झगड़े में युवक की मौत के मामले को लेकर बवाल थम गया है। शहर के शास्त्री नगर इलाके में देर रात ई रिक्शा और स्कूटी में टक्कर के बाद मारपीट में स्कूटी सवार की मौत के बाद परिजनों ने शनिवार को जमकर हंगामा किया। मृतक दिनेश स्वामी के परिजनों ने मुआवजा और सरकारी नौकरी देने के साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। मामला बढ़ने पर विधायक बालमुकुंदाचार्य और विधायक गोपाल शर्मा भी शास्त्री नगर थाने पहुंचे। विधायकों ने मृतक के परिजनों से समझाइश के प्रयास किए, लेकिन स्थानीय लोगों ने थाने के बाहर टायर जलाकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की अफवाह के चलते विधायक गोपाल शर्मा बाहर निकले और प्रदर्शनकारियों के पास एक समुदाय प्रतिष्ठान के पास पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने वहां जमकर हंगामा कर पत्थर मारा। इसके बाद छत से दूसरे समुदाय के लोगों ने भी पत्थर फेंके। मामला बढ़ने पर विधायक बालमुकुंदाचार्य मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से समझाइश कर वापस लौटने की अपील की। इसके बाद फिर थाने में परिजनों से वार्ता में विधायक बालमुकुंदाचार्य ने खुद 1,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने के साथ ही अन्य सहयोग देने की घोषणा की। कुछ देर बाद विधायक गोपाल शर्मा ने सरकार की ओर से मृतक आश्रितों को संविदा पर नौकरी और डेयरी कियोस्क देने की घोषणा की है। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से उचित आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। विधायक बालमुकुंदाचार्य की पहल पर आखिरकार परिजन मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए राजी हो गए। पूरी सरकार ने दिनेश स्वामी, जिसको कल रात को कुछ गुंडा तत्वों ने हत्या करके मार दिया, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की है। इसके साथ ही एक नौकरी परिवार के अंदर संविदा के आधार पर और उसके साथ एक कियोस्क आवंटित करने की घोषणा की है और साथ ही यह भी घोषणा की है कि इनको उचित मुआवजा देने के ऊपर विचार किया जाएगा, यानी दिया जाएगा। जयपुर में घटना घटी है कल रात्रि को, उसकी जांच हो रही है। जांच की हम पूर्णता उसके परिवार के साथ हैं, पूरी सरकार उनके साथ है और उनकी जो भी मदद होगी पूर्णता करेंगे। अपराधी बचेंगे नहीं, एक अपराधी पकड़ा गया है, दूसरे के लिए टीम पूर्णता जा चुकी है और परिवार भी पूर्णता अभी पुलिस के उसमें है, जिससे कि कहीं कोई गतिविधि हो तो पता चले। और अपराधी को तो पकड़ा ही जाएगा, सजा भी होगी। पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार है, पूरी संवेदनाएं हैं और हम सारे प्रतिनिधि साथ हैं और जो भी उनकी मदद होगी पूर्णतः सरकार भी कर रही है, करेगी और हम लोग भी सब अपने स्तर पर पूरा सहयोग करेंगे। जो वार्ता आज हो रही थी उसमें जो सबसे प्रमुख, सबसे बार बार कही जाने वाली मांग थी, वो ये थी कि जो मुलजिम है, जो आरोपी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इसके बारे में हमने उन्हें अवगत कराया कि एक मुलजिम हम गिरफ्तार कर चुके हैं, दो अन्य लोग हमारे पास में चिन्हित हैं, संदिग्ध हैं, उनके पीछे हमारी टीमें लगी हुई हैं, बहुत संभावना है कि उन्हें हम बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। इसके अलावा एक नाम हमें और बताया गया है, एक ऐसे व्यक्ति का नाम जिसके बारे में ये कहा गया कि उसने उन्हें भागने में सहयोग किया, तो ये हमने उन्हें बता दिया है कि अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति हमें नज़र आता है या फिर इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है जिसने कोई सहयोग किया है, तो निश्चित